दोस्तों ड्रैगन बॉल के हर एक सीजन खत्म होने के साथ साथ पावरफुल कैरेक्टर्स निकलते रहते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल का फ्रेंचाइजी कई टाइम से चलते आ रहा है, और इस दौरान इसके कई सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं जो कि टॉप में पहुंचने का कोशिश करते रहते हैं। ये फ्रेंचाइजी के शो, मूवीज और गेम्स को देखते हुए आप कुछ कैरेक्टर्स को इस लिस्ट में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी कई सारे कैरेक्टर्स होंगे जिनको शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। ये लिस्ट को हम सही तरीके से बनाने के लिए कैरेक्टर्स का मोस्ट पावरफुल फॉर्म को लिए हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 मर्चामासो। दोस्तों ये फॉर्म तब आया था जब गोकू को हराने के लिए जामासो और गोकू ब्लैक फाइनल इफर्ट लगाए थे। इमॉर्टल और मॉर्टल के बीच में एक फ्यूजन की वजह से मर्चामासो फॉर्म आया था, और ये फ्यूजन की वजह से ये फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। मर्चामासो सुपर सैयन ब्लू से भी सामना कर चुका है, लेकिन ब्लू फॉर्म इतना भी पावरफुल नहीं था कि वो मर्चामासो को फेस कर सके। मर्चामासो बहुत सारी सक्सेस हासिल कर चुका है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ मर्चामासो वेजिटो ब्लू से हार गया था। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये फॉर्म कितना पावरफुल होगा। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है बीरस। दोस्तों बीरस को हम यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। ये इतना पावरफुल है कि सुपर सैयन 3 गोकू को आसानी से हरा सकता है। गोकू ये खुद ही कहा था कि कोई भी फ्यूजन फॉर्म या तो वेजिटा बीरस को नहीं हरा सकते। यह खास बात यह है कि जब बीरस सुपर सैयन गॉड गोकू को हराया था तब वो बोला था कि वो बस 70% पावर को यूज किया था। इसका मतलब इसका फुल पावर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों इसका पावर बहुत ही लाजवाब होता है। लास्टली बीरस का इतना पावर है कि सिर्फ अपने एक उंगली की मदद से एक प्लैनेट का आधा पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इस पर 8 पे आता है वेजिटो ब्लू। दोस्तों गोकू और वेजिटा के बीच पोटर ईयरिंग के फ्यूजन की वजह से वेजिटो ब्लू फॉर्म आता है। ओरिजिनल ड्रैगन बॉल मांगा में वेजिटो ब्लू को मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। जब ये वेजिटो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तब ये वेजिटो ब्लू बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों वेजिटो ब्लू का इतना पावर है कि यह आसानी से फ्यूज जामासो को हरा सकता है। लास्टली वेजिटो ब्लू एक स्प्लिट स्वॉर्ड क्रिएट कर सकता है जो कि इसके एनर्जी से बना हुआ होता है, और ये स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल होता है और चीजों को आसानी से बर्बाद कर सकता है। अब इस वर्ष 7 पे आता है जिरन। दोस्तों जिरन प्राइड टॉपर का एक मेंबर है जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी भाग ले चुका है, क्योंकि वो सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांग सके। जिरन यूनिवर्स 11 का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है जो कि हमेशा से ही स्ट्रेंथ और न्याय पे भरोसा रखता है। जिरन बहुत ही फोकस वाला पर्सन है, ये हमेशा एनवायरनमेंट को चेक करते रहता है, और इस एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई भी नया खतरे के लिए जिरन रेडी रहता है। जिरन कभी भी सेल्फिश नहीं होता है, और ये हमेशा यूनिवर्स 11 को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहता है। जिरन का इतना पावर है कि इसको कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हरा नहीं सकता। और इसके साथ ही साथ जिरन यूनिवर्स 11 का फ्राइट यानी गॉड ऑफ माना जाता है। अब इस वर्ष 6 पे आता है मास्टर अल्टर इंस्टेंट गोकू। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अल्ट्रा इंस्टेंट कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये एक अल्टीमेट टेक्निक है, और गोकू ही एक ऐसा मॉडल है जो कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया था। ये टेक्निक ही गोकू को एक अलग लेवल में ले जाता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बीस्ट है। यहाँ पर दोस्तों गोकू का सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म उसे स्ट्रॉन्गर ही नहीं बनाता, बल्कि उसको स्ट्रॉन्गर होने का टूल्स देता है। ओवरऑल ये गोकू के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट से कितना एडवांटेज उठा सकता है। अब इस 5 पे आता है इंजस। दोस्तों मल्टीवर्स में इंजस बहुत ही हाई स्टार्स के होते हैं। इंजस का रोल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गाइड करना और सिखाना होता है कि वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन का कैपेसिटी को बढ़ा सके, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पर्सनल अटेंडेंस के हिसाब से भी होते हैं। जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना पावरफुल होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इनको गाइड करने वाले और सिखाने वाले एंजल्स कितने पावरफुल होंगे। हम ये कह सकते हैं कि एंजल्स का पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा होता है। लास्टली इनके पास वार्पिंग, हीलिंग, रिजरेक्शन और स्पेस टाइम का मैनिपुलेशन जैसा एबिलिटी भी होता है। अब इसमें 4 पे आता है जीनो अटेंडेंट्स यानी बॉडीगार्ड्स। गार्ड्स
दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जीनो एक मोस्ट पावरफुल बींग है, लेकिन एक मोस्ट पावरफुल बींग को बॉडीगार्ड का जरूरत क्यों पड़ता है कौन जाने। जीनो के अटेंडेंस बहुत ही फास्ट होते हैं और एक बार जीनो के अटेंडेंस कुकू को भी चेक कर लिए थे, जिसके बारे में जीनो को भनक तक नहीं लगा था। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टेस होते हैं, भले इन सभी को बैटल में नहीं दिखाया गया हो और इनका फाइटिंग टेक्निक भी नहीं दिखाया गया हो, लेकिन दोस्तों ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। लास्टली जीनो के अटेंडेंस नंबर फोर पोजिशन को डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। अभी नंबर थ्री पे आता है सुपर शेनरॉन। दोस्तों एक मैजिकल और विशाल ड्रैगन है, इसका रेफरेंस तभी होता है जब सभी सुपर ड्रैगन बॉल जमा हो जाते हैं। सुपर शेनरॉन क्या क्या कर सकता है उसका कोई भी हिसाब नहीं है, यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इसका पावर का कोई लिमिट नहीं होता है। इसका इतना पावर है कि इसके सिर्फ चाहने से ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को किल कर सकता है। इसका इतना एबिलिटी है जिसके वजह से सुपर शेनरॉन कोई भी विश को ग्रैंड कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये कुछ भी कर सकता है और कोई भी विश को ग्रैंड कर सकता है। लास्टली इसको हम ड्रैगन गॉड भी कह सकते हैं। अभी दोस्तों नंबर टू पे आता है ग्रैंड प्रिस्ट। दोस्तों ग्रैंड प्रिस्ट सभी इंजर्स का फादर है और जीनो का सबसे ज्यादा भरोसेमंद मिनिस्टर है। ग्रैंड प्रिस्ट का पावर सभी इंजर्स के पावर से ज्यादा होता है। ये कैरेक्टर का ऑरिजिन बहुत ही ज्यादा मिस्ट्रेस है। आप जानते ही होंगे कि विश यूनिवर्स 7 का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, लेकिन दोस्तों ग्रैंड प्रिस्ट का पावर इससे कहीं ज्यादा है। विश के द्वारा ये कहा गया था कि ग्रैंड प्रिस्ट ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बींग है, लेकिन दोस्तों उस समय में कौन से वर्ल्ड का मेंशन किया गया था ये अभी तक अननोन है। और दोस्तों देखा जाए तो इसका पावर एंजल से भी ज्यादा होता है और ये पावर के साथ ये कैरेक्टर नंबर टू पोजीशन डेफिनेटली डिजर्व करता है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर वन पे आता है जीनो। ओके सो यू मस्ट बी द प्रेजेंट डे ज़ेनी फ्रॉम आवर टाइमलाइन एंड दैट वुड मेक यू द ज़ेनी फ्रॉम द फ्यूचर राइट? अ बिग टूर्नामेंट। दोस्तों भले ही ये क्यूट दिखता है और शायद किसी को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन ये कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है। ये कैरेक्टर दिखने में छोटा है, लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में ये अभी तक का सबसे पावरफुल बींग है और लगता है कि ये आगे भी डेफिनेटली रहेगा। दोस्तों यहाँ पर विश का ये भी कहना है कि वर्ल्ड में जीनो से बेहतर और कोई नहीं है, क्योंकि जीनो सिर्फ अपने उंगली की मदद से ही बिना कोई इफेक्ट लगाए पूरे यूनिवर्स और टाइमलाइन को मिटा सकता है या तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह खास बात यह है कि जीनो को कभी भी मारा नहीं जा सकता है। विश का ये भी कहना था कि जीनो 18 यूनिवर्स में से 6 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि उसका थोड़ा मूड खराब हो गया था। लास्ट ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में जीनो को ओमनी किंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यही था टॉप मोस्ट पावरफुल ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोज में।